कराची में नामालूम अफराद की यादगार शोहदा पर तोड़फोड़, एमक्यूएम का एहतजाज। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हजारों शहीदों के लवाहकीन को बेचैनी हुई, शराफत को बुजदिली और कमजोरी ना समझा जाए। आमिर खान बोले, शोहदा के लवाहकीन को यकीन दिलाते हैं यादगार बरकरार रहेगी। एसएन इकबाल ने खुद ही गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया, कहते हैं इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। जेलें अपने मकासिद और जिद्दोजहद से नहीं रोक सकती, 2020 को इलेक्शन का साल भी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इमरान खान की मदीना मुनव्वरा में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद की मुलाकात, दिफाई शोबों में तआवुन और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी का क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में मुआयना, डॉक्टर नदीम कमर की सरबराही में बोर्ड ने मुआयना किया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भी अस्पताल में मौजूद, साबिक सदर का आज रात अस्पताल में ही कयाम का इम्कान। मियां नवाज शरीफ का बरतानिया के 6 बड़े अस्पतालों में इलाज जारी, डॉक्टर अदनान के मुताबिक नवाज शरीफ को हेमाटोलॉजिस्ट टीम ने अभी क्लियर नहीं किया। प्लेटलेट्स गैर मुतवाजी होने से कोई प्रोसीजर नहीं किया जा सकता, साबिक वजीर आजम को अमरीका ले जाया जा सकता है। वजीर आजम के भांजे को पकड़ना पुलिस के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। हसन नियाजी पकड़ में ना आ सका, मुलजिम को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पुलिस की 5वीं छापामार कार्रवाई भी बेकार रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमला अफसोसनाक करार दे दिया, कहते हैं पीआईसी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। केस देरे समाप्त है, ज्यादा बात नहीं करूंगा। दोनों पेशों से अजीम इकदार वाबस्ता हैं, उम्मीद है अच्छी सोच ही गालिब आएगी। आईएमएफ की शाबाश, आवाम पर भारी पड़ने लगी। हुकूमत का आवाम को 11,000 वोल्ट का झटका देने की तैयारी। नेपरा को बिजली 1.73 रुपए इजाफे की दरख्वास्त दे दी। लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस लाने में कामयाबी मिली या नहीं, लेकिन गैर मुल्की दौरे जारी और वो भी लाखों के। शहजाद अकबर, माहरीन और मेंबरान ने मजमूई तौर पर 11 गैर मुल्की दौरे किए। बैरूनी दौरों पर 39,44,000 रुपए खर्च हुए। पंजाब पुलिस बच्चों को तहफ्फुज देने में नाकाम, सूबे में एक साल के दौरान 1,099 बच्चे अगवा। लाहौर से भी 392 बच्चों को अगवा किया गया, सूबे में 133 बच्चों को बाजियाब ना कराया जा सका। लोधरा में तालिबे इल्म के कॉपी में शेर लिखने पर प्रिंसिपल मुश्तैद, तालिबे इल्म के हाथों पर डंडों और चेहरों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। भारत में एक और काला कानून बन गया, मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा। आसाम में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए, गुवाहाटी में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, 4 अफराद हलाक। तलबा का दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, पुलिस की शैलिंग। दुनिया की नजरों से गिरने के बाद मोदी सीढ़ियों पर भी मुंह के बल गिर पड़े। भारतीय वजीर आजम का कानपुर में सीढ़ियां चढ़ते हुए तवाजन बिगड़ गया, सिक्योरिटी एहलकार ने सहारा देकर उठाया। मलाइशिया ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। वजीर आजम महाथीर मोहम्मद ने कहा है, मलाइशिया ईरान पर दोबारा एकतरफा पाबंदियों की हिमायत नहीं करता। साबिक सूडानी सदर उमर अल बशीर को करप्शन केस में 2 बरस कैद की सजा। उमर अल बशीर की हुकूमत शदीद अवामी एहतजाज और मुजाहिरों के बाद खत्म हो गई थी। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली, थाईलैंड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर को हरा दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में सैर सपाटे, शॉपिंग मॉल में खरीदारी की, खिलाड़ी ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम के प्लेयर्स की भी सैरो तफरी, होटल में खाना खाया।
बलाई इलाकों में बर्फबारी की लंबी इनिंग्स। एबडाबाद, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू में पहाड़ सफेद हो गए। स्कर्दू का मुल्क भर से फजाई और जमीनी राब्ता मुनकता। मलका कोसार ने भी बर्फ से सिंघार कर लिया। एबडाबाद और गलियात में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम। इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीब। चारों सूबों की सकाफत के रंग झलकते रहे। तकरीब पाकिस्तानी सकाफत के मुश्तरका रंगों का गुलदस्ता बन गई। फ्रांस में पेंशन के नए कानून के खिलाफ 11वें रोज भी हड़ताल। निजामे जिंदगी दरहम बरहम। ट्रेन, मेट्रो बसें और ट्राम सर्विस 60% तक बंद। कारोबार सख्त मुतासर। क्रिसमस की खरीदारी इंतहाई कम हो गई। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $1 करोड़ बोनस। इनाम का ऐलान होते ही मुलाजमीन की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया की नजरों से गिरने के बाद मोदी सीढ़ियों पर भी मुंह के बल गिर पड़े। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कानपुर में सीढ़ियां चढ़ते हुए तवाज़ुन बिगड़ गया। सिक्योरिटी एहलकार ने सहारा देकर उठाया। मलाइशिया ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म महाथीर मोहम्मद ने कहा है, मलाइशिया ईरान पर दोबारा एकतरफा पाबंदियों की हिमायत नहीं करता। साबिक सूडानी सदर उमर अल बशीर को करप्शन केस में 2 बरस कैद की सजा। उमर अल बशीर की हुकूमत शदीद अवामी एहतजाज और मुजाहिरों के बाद खत्म हो गई थी। खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली। थाईलैंड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर को हरा दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में सैर सपाटे। शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। खिलाड़ी ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम के प्लेयर्स की भी सैरो तफरी। होटल में खाना खाया। बलाई इलाकों में बर्फबारी की लंबी इनिंग्स। एबडाबाद, मुजफ्फराबाद, स्कर्दू में पहाड़ सफेद हो गए। स्कर्दू का मुल्क भर से फजाई और जमीनी राब्ता मुनकता। मलका कोसार ने भी बर्फ से सिंघार कर लिया। एबडाबाद और गलियात में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम। इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीब। चारों सूबों की सकाफत के रंग झलकते रहे। तकरीब पाकिस्तानी सकाफत के मुश्तरका रंगों का गुलदस्ता बन गई। फ्रांस में पेंशन के नए कानून के खिलाफ 11वें रोज भी हड़ताल। निजामे जिंदगी दरहम बरहम। ट्रेन, मेट्रो बसें और ट्राम सर्विस 60% तक बंद। कारोबार सख्त मुतासर। क्रिसमस की खरीदारी इंतहाई कम हो गई। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $1 करोड़ बोनस। इनाम का ऐलान होते ही मुलाजमीन की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया की नजरों से गिरने के बाद मोदी सीढ़ियों पर भी मुंह के बल गिर पड़े। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कानपुर में सीढ़ियां चढ़ते हुए तवाज़ुन बिगड़ गया। सिक्योरिटी एहलकार ने सहारा देकर उठाया। मलाइशिया ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म महाथीर मोहम्मद ने कहा है, मलाइशिया ईरान पर दोबारा एकतरफा पाबंदियों की हिमायत नहीं करता। साबिक सूडानी सदर उमर अल बशीर को करप्शन केस में 2 बरस कैद की सजा। उमर अल बशीर की हुकूमत शदीद अवामी एहतजाज और मुजाहिरों के बाद खत्म हो गई थी। खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली। थाईलैंड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर को हरा दिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद में सैर सपाटे। शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। खिलाड़ी ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम के प्लेयर्स की भी सैरो तफरी। होटल में खाना खाया।
बला इलाकों में बर्फबारी की लंबी इनिंग्स। अहमदाबाद मुजफ्फराबाद स्कर्दू में पहाड़ सफेद हो गए। स्कर्दू का मुल्क भर से फजाई और जमीनी राब्ता मुनकता। मलका एक औसार ने भी बर्फ से सिंघार कर लिया। अहमदाबाद और गलियात में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में नाकाम। इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीब। चारों सूबों की सकाफत के रंग झलकते रहे। तकरीब पाकिस्तानी सकाफत के मुश्तरका रंगों का गुलदस्ता बन गई। फ्रांस में पेंशन के नए कानून के खिलाफ 11वें रोज भी हड़ताल। निजामे जिंदगी दरहम बरहम। ट्रेन मेट्रो बसें और ट्राम सर्विस 60% तक बंद। कारोबार सख्त मुतासर। क्रिसमस की खरीदारी इंतहाई कम हो गई। अमरीकी कंपनी का मुलाजमीन को $1 करोड़ बोनस। इनाम का ऐलान होते ही मुलाजमीन की आंखों में आंसू आ गए। दुनिया की नजरों से गिरने के बाद मोदी सीढ़ियों पर भी मुंह के बल गिर पड़े। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का कानपुर में सीढ़ियां चढ़ते हुए तवाज़ुन बिगड़ गया। सिक्योरिटी अहलकार ने सहारा देकर उठाया। मलाइशिया ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मुखालिफत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म महाथीर मोहम्मद ने कहा है, मलाइशिया ईरान पर दोबारा एकतरफा पाबंदियों की हिमायत नहीं करता। साबिक सूडानी सदर उमर अल बशीर को करप्शन केस में 2 बरस कैद की सजा। उमर अल बशीर की हुकूमत शदीद अवामी एहतजाज और मुजाहिरों के बाद खत्म हो गई थी। खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी तीसरी वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीत ली। थाईलैंड के टॉप रैंकिंग बॉक्सर को हरा दिया।